question is, why Allah, our God, not show itself like another region God? Like she's God, she is a Chinese. She know the physical of their gods, and she know about the power of their gods. So why Allah not show itself? Thank you. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. रिलीजन 72 के तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जो कि डॉक्टर जाकिर नायक के सवाल और जवाब के सेशन का उर्दू तर्जुमा है, ताकि आप लोगों के लिए सुनने में और समझने में आसानी हो। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक से एक चाइनीज़ लड़के ने सवाल किया कि उसकी कोई चाइनीज़ क्लास फेलो लड़की है जो कि उससे ये सवाल करती है, जो कि गैर मुस्लिम लड़की है, और ये चाइनीज़ लड़का जो सवाल कर रहा था ये मुसलमान था। वो कहने लगा कि मेरी क्लास फेलो वो चाइनीज़ लड़की बुनियादी तौर पर इस्लाम पर यकीन नहीं रखती, बल्कि वो किसी भी अकीदे पर यकीन नहीं रखती, और वो गैर मुस्लिम है। और उसका ये सवाल था कि मुझे ये बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला इस पूरी कायनात में सुपर पावर है, उससे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं, और वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, लेकिन इसके बावजूद खुदाए बुजुर्गों बरतर लोगों पर आया क्यों नहीं होता? अल्लाह तबारक व तआला अपना आप लोगों के सामने जाहिर क्यों नहीं करता? लोग अल्लाह तबारक व तआला को देख क्यों नहीं सकते? जब ये सवाल उस लड़की ने किया तो ये लड़का ये सवाल लेकर डॉक्टर जाकिर नायक के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब ने सवाल दोहराया और उसके बाद जवाब देने लगे कि हम अल्लाह तबारक व तआला को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हैं, और खुदाए बुजुर्गों बरतर की ज़ात इंतहाई आला और अरफा। यहाँ के लोग बुनियादी तौर पर अगर खुदा की तारीफ़ करने लगें तो खुदा की तारीफ़ जिन चार बुनियादों पर होती है, उसमें से पहले नंबर पर यह चीज़ है कि वो वहदहु ला शरीक है, अकेला है, वाहिद है, अल्लाह तबारक व तआला का कोई सानी नहीं। उसकी ज़ियारत करना सिर्फ़ और सिर्फ उसी के अख्तियार में है जिसको अल्लाह ख़ुद इजाज़त दे, जो कि इस दुनिया में फ़िलहाल किसी के पास इतनी ताकत नहीं। फिर फरमाया कि खुदाए बुजुर्गों बरतर की ज़ात वो है जो कि पोशीदा रहे, जो कि सबके सामने ज़ाहिर ना हो। फिर ये फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अपना दुनिया के सामने लोगों का भरम रखे हुए है, वरना लोग अगर खुदाए बुजुर्गों बरतर को देखने की ख्वाहिश करें तो लोग ख़त्म हो जाएं। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम अल्लाह तबारक व तआला को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि अगर हमने देखा तो हम फना हो जाएंगे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, जो कि अल्लाह तबारक व तआला के पाक रसूल थे, आपने अल्लाह तबारक व तआला से ये ख्वाहिश जो है इसका इजहार किया कि या अल्लाह पाक, मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तू मुझे नहीं देख सकता, लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया, आपने जब ज़िद की, तो अब जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला के बड़े बुरगजीदा पैगंबर थे आप, तो खुदाए बुजुर्गों बरतर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये सामने तूर पहाड़ है, इस पहाड़ की जानिब निगाह करके इसकी जानिब देखो, अगर तुमने इस पहाड़ को देख लिया तो मैं इस दुनिया में मौजूद एक सुई के नक्के के हजारवें हिस्से जितनी अपनी नूर की तजल्ली इसके ऊपर डालूंगा। अगर तुमने इस पहाड़ को देख लिया, तुम कायम रहे, तो इसका मतलब यह होगा कि तुमने मुझे देख लिया। जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने अपने नूर की इतनी छोटी सी तजल्ली उस कोहे तूर पर डाली, तूर के पहाड़ पर डाली, तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया, और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप इस शिद्दत से बेहोश हो गए। और जब आप होश में आए तो तब आपने अल्लाह तबारक व तआला से अपनी जिद के बारे में जो है वो बाकायदा अपोलोजाइज किया, माजरत की कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को इस दुनिया में किसी ने नहीं देखा। नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज शरीफ के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए और दरमियान से सारे पर्दे हट गए। डॉक्टर साहब ने उस लड़के से पूछा कि आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, क्या एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ा इनाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, जी कि जन्नत सबसे बड़ा इनाम है। तो डॉक्टर साहब अभी कुछ कहने ही लगे थे कि क्राउड में से एक और शख्स ने कहा कि इससे भी बड़ा एक और इनाम है। डॉक्टर साहब ने पूछा वो क्या है, तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह की ज़ात। डॉक्टर साहब ने कहा बेशक, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वो लोग जो कि जन्नत में जाएंगे वो सब के सब तो नेक होंगे, लेकिन कुछ नेक दूसरों की निस्बत ज़्यादा नेक हैं, जिन्हें अल्लाह पाक की ज़ात जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। तो जो लोग जन्नतुल फिरदौस में होंगे उनके लिए सबसे बड़ा जो अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है वो दीदार खुदाबंदी। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उन्हें अपना दीदार करवाएगा। तो जिसने अल्लाह का दीदार कर लिया, पीछे कह रहे हैं, उसने तो इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली कि उसने इस पूरी दुनिया के, इस पूरी कायनात के खालिक और मालिक का दीदार कर लिया।
तो ये दोस्तों एक इंतहाई जो है वो खूबसूरत अल्लाह तबारक तआला की ज़ात के हवाले से गुफ्तगू थी जो कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने की। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।